शुक्रवार को विश्व योग दिवस के अवसर पर संकल्प फाउंडेशन पिपरिया के द्वारा सामूहिक सूर्य नमस्कार एवं योगासन प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम पिपरिया के एक स्थानीय मैरिज गार्डन में हुआ। कार्यक्रम में संकल्प फाउंडेशन के सैकड़ों युवाओं के साथ साथ शहर के गणमान्य नागरिकों ने भी अपने सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार में भाग लिया। कार्यक्रम में आर्ट ऑफ लिविंग के शिक्षक राजेश दुबे के मार्गदर्शन में संकल्प फाउंडेशन के विद्यार्थियों एवं गणमान्य नागरिकों ने सूर्य नमस्कार किया। उसके बाद संकल्प फाउंडेशन के संस्थापक निरंजन वैष्णव के मार्गदर्शन में फाउंडेशन के युवाओं एवं छोटे बच्चों के द्वारा योग के विशिष्ट आसनों का प्रदर्शन किया गया। फाउंडेशन विगत 4 वर्षों से प्रतिवर्ष योग दिवस के अवसर पर इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करता है, साथ ही प्रतिदिन युवाओं को शारीरिक रूप से प्रशिक्षित भी किया जाता है। संकल्प फाउंडेशन के संस्थापक निरंजन वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्था का उद्देश्य है कि योग के प्रति हमारे समाज और खास तौर से युवा वर्ग में जागरूकता फैले। साथ ही साथ कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में योग के प्रति लोगों को जागरूक करना भी है तथा ये भाव पैदा करना है कि समस्त लोग योग से जुड़कर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। अंग्रेजी के भी कम से कम 1 मिनट तक करना है आपकी लिस्ट हो। विशेष रूप से हम लोग मनाने जा रहे हैं। जैसे अभी बहन ने कहा, योग का अर्थ है जोड़, संबंध, कनेक्शन। और अगर ये हमारे जीवन में नहीं है और जिसके साथ होना चाहिए उसके साथ, दो से तीन बार कम से कम 3 मिनट तक अगर हम कहेंगे तो हमारा ब्रेन जो है, क्योंकि सिंपल सी बात है, इस आसन से धीरे धीरे गांव हो जाएंगे। इसके बाद आसन है बकासन, जैसे हम कुक्तासन भी